दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, प्यारा गुड इवनिंग। सो गाइस, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ था एक्चुअली, हमने बहुत दिनों से बताया नहीं था आप लोगों को। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ जी कसौल, और जल्दी से जो ना भाई बैग वैग पैक करें, आप जा रहा हूँ भैया यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाना है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से हमने कर रखी है डायरेक्ट वॉल्वो कसौल के लिए, तो सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा डिटेल में। पहले एक बार मेट्रो स्टेशन पहुँचाऊँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। 8 बजे की बस है मेरी, और अभी मेरे को कोई मिलने वाला भी है जो मेरे साथ इस ट्रिप में जाएगा, तो वो भी आप लोगों को बताऊँगा कौन है, सरप्राइज़ एक। तो चलते हैं भाई, पहले ऑटो लेता हूँ फिर मिलता हूँ लोगों का। ऑटो भी मिल गया भाई। हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, बारिश भी हो रही है भाई, मौसम खतरनाक हो रहा है भाई। वैशाली कितना? सो गाइस, ऑटो वगैरह भी मिल गया, अब चलते हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन। सो गाइस, फाइनली पहुँच गया हूँ मेट्रो स्टेशन, अब चलते हैं भाई ऊपर। सो गाइस, फाइनली मेट्रो के अंदर एंट्री ले ली है। सो गाइस, फाइनली भैया कश्मीरी गेट पहुँच चुके हैं, और हमारे पहाड़ी भैया जी पहुँच चुके हैं। योगेश रौतेला भैया जी बोल रहे थे मेरे को मंडी हाउस बना दो, मैंने वहाँ नहीं बनाएंगे, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी भाई। बस वाले का फ़ोन आ गया, कह रहा भैया आ जाओ वरना हम तो निकल जाएंगे। योगेश और मैं एक ही कंपनी का काम करते हैं, तो आज हमारा ऑफ था, हमने सोचा चल देते हैं भाई कसौल। तो भाई एग्जिट तो कर लिया है, और यहाँ पे ना जो बस जो मिलती है भाई, वो मिलती है गेट नंबर 4 से एग्जिट कर रहे हैं हम, और बस जो मिलेगी वो मिलेगी आपको भारत पेट्रोल पंप के पास में, तो वहीं चल रहे हैं भाई। सो गाइस, मंजिल हमारे सामने, बस खड़ी हमारे सामने, ये देखिए आप, ये रही ये रही भैया, इग्नोर करो वो गाड़ी, मंजिल दूर नहीं है यार, बहुत दूर नहीं है, इधर आ 4 कदम भाई। लौंडा जिम विम कर रहा है, जिम कर रहा है, डरा है किसी से, डायलॉग मार देगा भाई, डरता हूँ भाई। गाइस मजा आने वाला है इस ट्रिप में, आतंक मचा देंगे, दो पहाड़ी सब पे भारी। गाइस ये रही हमारी बस, चलते हैं भैया अंदर, फिर देते हैं आपको रिव्यू इसका, कैसी बस है। सो गाइस, लगेज वगैरह तो हमने रखवा लिया भाई, ये रही बस, अभी चलने वाली है यहाँ से 5 मिनट में, ऊपर बैठते हैं। 2C2D ये है अपनी, 2C2D बाबा, आ जाओ आओ बैठो, वीडियो बनाते हुए चलेंगे ना। सो गाइस, फाइनली सीट पर बैठ चुके हैं जी, सीट रिव्यू देते हैं आपको थोड़ा सा। लेगिंग्स दे रखी है, सही आ रखा है सीट तो इन्होंने, कंफर्टेबल। Yes, buddy. It's very comfortable. भाई ये देखना नीचे पूरा ये दे रखा है, स्पेस भी बहुत है, काफ़ी स्पेस है भाई, देख रहे हो गाइस हमारे लिए स्पेशल, इन्होंने पानी की बोतल रखी है भाई के जॉर्डन, 80,000 के सूखा, 80,000 के है, 80,000 के नहीं था, सब्जी नगर का माल है गाइस। सीट तो कंफर्टेबल है, नीट एंड क्लीन है, अभी बता देता हूँ, और बाकी चलने के ऊपर ड्राइवर का बिहेवियर वगैरह वो सब आप लोगों को जब पहला स्टॉप आएगा तब पता लगेगा। सो गाइस अभी बस जो है ना चल गई है यहाँ से, और यहाँ से भी जा रही है मजनू का टीला, मजनू का टीला से भी इनका जो सेकंड स्टॉप है वहाँ से भी कुछ लोगों को पिक करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलेगी। और अभी तक का एक्सपीरियंस तो ठीक ही है यार, अभी थोड़ा 5 मिनट ही चले हैं, पर लेकिन सीट बहुत कम्फर्टेबल है, क्लीन है। एक्सीडेंट भाई बहुत तेरी है, लो बारिश स्टार्ट क्या हुई, एक्सीडेंट वाले हो जाते हैं भैया। सो गाइस फाइनली भैया हमारा पहला स्टॉप हो चुका है, पहला स्टॉप है भैया शिवा ढावा। कैमरा जीप से क्यों आ रहा है? सो गाइस पहला स्टॉप ले लिया जी शिवा ढावा पे, बड़ी जल्दी स्टॉप ले लिया इसने, 1.5 घंटा चलाया भाई को, लगी ड्राइवर भाई को। सो गाइस पहले जाते हैं, फ्रेश वगैरह हो लेते हैं भैया, फिर बस वाला पता नहीं कब रुकेगा, 30 मिनट का ब्रेक दे रखा भाई ने, यहाँ पे भी ऑफिस बना दिया भाई ऑफिस। सो गाइस फाइनली भैया हम खाना वाना खा रहे हैं, योगी भाई का है फास्ट, तो वर्थ की थाली ले रहे हैं, वर्थ की थाली दिखाई जाएगी आप लोगों को, कभी कोई का फास्ट हो तो ये चीज़ कोई नहीं दिखाएगा आप लोगों को, देखो मतलब नॉर्मल खाना तो हर कोई दिखाएगा, लेकिन वर्थ का खाना कोई दिखाएगा पता नहीं, नहीं वर्थ का खाना भाई हर जगह भी हर जगह मिलता भी नहीं है, और कोई दिखाता भी नहीं है। अब देखो थाली में क्या क्या, थाली में देखते क्या 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 आता है, तो ये एक यूनिक चीज़ है भाई। गाइस फाइनली अपना आ चुका है जी वर्थ की थाली भाई, एक नंबर नहीं लग रहा है भाई साहब। ये सब्जी कौन सी दी है इसमें? ये पेठा की है, ये पेठे की सब्जी है, ये आलू, ये भी आलू, ये शाही पनीर, रायता, पूरी भाई एक नंबर, और साथ ही साथ फ्रूट है, ये पापड़ भाई साहब, थाली तो भाई बढ़िया दी है, और रेट बताएंगे अभी, रेट हमें पता नहीं है गाइस, प्राइस बाद में एंड में बताया जाएगा आप लोगों को। दादा भूख लग रही है अपने भाई को, स्टार्ट भाई ने बोला कि पहले सब कुछ आ जाए उसके बाद ही खाऊंगा मैं, देख रहे हो दोस्त ऐसे लेके आता ना, कोऑपरेट करते हैं यार। चल खा ले, खाने का हाथ रोक दिया भाई, बताओ एक नंबर की थाली, नंबर का था भाई सीरियसली, वर्थ की थाली एक नंबर था, प्राइस थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ठीक था मतलब जिस हिसाब से उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे बहुत सारे वैरायटीज दे रखी थी, सर्विस बढ़िया थी, अब चल रहे हैं भाई उस्ताद बिल्कुल टाइम के पक्के हैं, उस्ताद भी अपने एक नंबर है टाइम के पक्के। सो हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंटेन्स, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग,
फाइनली भैया सुबह हो चुकी है, थोड़े बहुत पहाड़ देखने को तैयार हो चुके हैं। अभी जा रहे हैं चाय पीने के लिए, पहला स्टॉप है, बस का नंबर याद कर लो। हाँ 4000 है लास्ट में, वीआईपी नंबर है भाई। पहाड़ देखो गाइस, पहाड़ ठंड हो रही है जबरदस्त यार, ठंड बहुत खतरनाक हो रही है भाई। अब चाय वाय पीते हैं यार। भैया पहुंच चुके हैं जी कसौल, और भाई इन्होंने ना मेन कसौल में उतारा है हमें, जो मेन कसौल है। तो हमें भैया यहाँ से पैदल पैदल जाना है, यहाँ ऊपर ही है अपना। और हमने जो कर रखा है वो कर रखा है जी हॉस्टल बुक कर रखा है, तो आपको दिखाते हैं कि कौन सा हॉस्टल बुक कर रखा है। एक बार जाते हैं, कहाँ रुक रहे हैं वो पूरा बताते हैं। और सामने जो है ना, सामने यहाँ बस ने उतारा रखा था, सामने वाले पहाड़ पर तो भैया आ चुका है जी धूप, बस हमारे ऊपर नहीं गिर रही है धूप। क्यों रौतेला जी? सामने वाले पहाड़ पे आ चुका है घाम, घाम हमारे पहाड़ी बोलते हैं घाम, हमारे ऊपर घाम नहीं लग रहा है गाइस। और यहाँ पे घर देखो भाई साहब, घर नहीं है, सारे होटल्स हैं, सारे होटल्स हैं। एक बार चेक इन वेक इन कर लेते हैं हम भी, उसके बाद आपको घुमाएंगे फिराएंगे मस्ती करवाएंगे अपने साथ, चीज़ बढ़िया होगी भाई। मुझे लगा यहाँ से बस लेनी पड़ेगी लोकल, फिर तो गाइस गड़बड़ हो जाती है गड़बड़। सो गाइस मार्केट वगैरह पूरी शांत हो रखी है यहाँ पे, देखिए सब दुकान बंद है। और भैया आधा घंटा पहले छोड़ दिया उस्ताद ने भाई। देखो बस सर्विस की मैं आपको बताऊँ तो बस सर्विस बढ़िया थी, ब्लैंकेट ब्लैंकेट सब कुछ दे रखा था। तो और वैसे और मतलब वैसे भी सही थी यार भाई, उस्ताद बहुत वो थे, बिल्कुल टाइट, नियम के पक्के थे अपने, नियम के पक्के। शेरू भी है यहाँ पे, शेरू कहीं उधेड़ ना दे हमें। तो कोई दुकान खुली नहीं खुली, दारू की दुकान सबसे पहले खुल गई गाइस, देखिए सामने पहुँचे गए गो स्टॉप ये रहा। ऊपर रोड से ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ही है। चलते हैं भैया, दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस फाइनली भैया अपना जो है हमें चेक इन वगैरह कर लिया, लेकिन अभी हमें बेड नहीं मिला क्योंकि जो चेक इन टाइमिंग है ना वो है 1 PM की। अभी हम जा रहे हैं जी कॉमन एरिया में, तो कॉमन एरिया दिखाते हैं आप लोगों को, वहीं पर फ्रेश वगैरह होंगे। अब आगे पेंटिंग वेंटिंग बढ़िया लगा रही है लॉन्डो ने। ओके बंदे तो यहीं लेटे हैं। तो गाइस ये है इनका कॉमन एरिया, आधे बंदे तो सो रहे हैं भाई, फ्लैट हो गए। कुछ इस तरह का कॉमन एरिया है, पूल है यहाँ पे, इस साइड बना रखा है भैया उन्होंने बालकनी टाइप की, बढ़िया सिटिंग का, यहाँ पे भी सिटिंग का बना रखा है गाइस, बढ़िया है भाई, ठीक है। अभी सुबह सुबह का माहौल है तो लौंडे सबके सब जो सो रहे हैं अभी, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मनोरंजन स्टार्ट होगा। बॉन फायर के लिए उन्होंने ये लगा रखा है, रात को बॉन फायर भी होगा यहाँ पे। तो ये है पूरा की पूरी कहानी गाइस। और बाकी जो है भैया अब यहाँ से एक्सप्लोर करने निकलेंगे हम, तो उसके लिए जो है थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, फ्रेश होकर मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सभी लोगों को व्लॉग में अच्छा लगा होगा, सभी लोगों को व्लॉग में अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं सभी लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।